नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं हाइड्रोलिक सिस्टम के लेआउट को। यदि आप हाइड्रोलिक सिस्टम के लेआउट को विथ वर्किंग समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें और ध्यान से सुने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं हाइड्रोलिक सिस्टम को। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो पहला वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोलिक, ये हाइड्रोलिक वर्ड आपने कहीं भी लिखा देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा हम ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जहां पर हम लिक्विड फ्लूइड या फिर मोबाइल की बात करते हैं। आपने कहीं भी देखा होगा हाइड्रोलिक अगर वर्ड यूज किया गया है तो आप वहां समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम कोई लिक्विड यूज करेंगे या कोई फ्लूइड यूज करेंगे या फिर ऑयल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम होता कैसा है, हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हम जो भी लिक्विड यूज करते हैं या फिर जो भी हम ऑयल यूज करते हैं उसको हम प्रेशराइज करते हैं एक पंप के थ्रू। मतलब पंप के थ्रू हम उसको दबाते हैं, फिर हम उसकी जो प्रेशर एनर्जी होती है उससे हम मैकेनिकल वर्क प्राप्त करते हैं। समझ में आया, जो भी लिक्विड या फ्लूइड होता है उसको हम एक पंप के थ्रू प्रेशराइज करते हैं, मतलब उसको दबाते हैं, फिर हम उसकी प्रेशर एनर्जी का उपयोग करके मैकेनिकल वर्क प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे ही तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने और अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे पिक्चर देखकर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या कैसे काम करता है और कैसे मैकेनिकल वर्क प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक क्या डंफर बना हुआ है जिसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, ऑयल को हम क्या करते हैं एक पंप के थ्रू प्रेशराइज करते हैं, मतलब उसको हम दबाते हैं। तो क्या होता है, एक समान दबता हुआ जाता है और इसमें क्या होता है एक ट्रॉली होती है उसको पुश करता, मतलब उस पर प्रेशर डालता। तो जो ऑयल के प्रेशर के थ्रू क्या होता है, ये ट्रॉली उठ जाती है और जो भी हम सामान निकालना चाहते हैं वो है निकल जाता है। तो हमारा यहाँ पर वर्क क्या मिला मुझे, इस ट्रॉली को हमें उठाना है ऊपर को, तो वह उठ जाती है किससे, ऑयल के प्रेशर के थ्रू। तो मतलब हमें मैकेनिकल वर्क प्राप्त हो जाता है। और भी यहाँ पर क्रैंक मशीन वगैरह दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी बनी हुई है। इस तरह के बहुत सारे सिस्टम आपने देखे होंगे जो कि ऑयल के प्रेशर के थ्रू हम वर्क हमें मिलता है या वर्क हम करते हैं, जिसे हम मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वह है जनरल लेआउट ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम। क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो यही आएगा कि जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है उसका हमें लेआउट बनाइए और सारे कंपोनेंट को समझाइए। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है इस डेफिनेशन को लिखना है, इसके बाद ए वाला डायग्राम बनाना है। यहाँ पर जो डायग्राम बने हुए हैं सिर्फ याददाश्त के लिए है कि हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है और क्या होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। तो यहाँ पर एक जनरल लेआउट बना हुआ है। सबसे पहले उस लेआउट को देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में सबसे पहले दिख रहा होगा ऑयल स्टोरेज। ऑयल स्टोरेज के मतलब होता है इसमें एक टैंक होता है जिसमें क्या होता है ऑयल भरा रहता है, जो भी हम ऑयल यूज करना चाह रहे हैं या जो भी हम फ्लूइड यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो कैसे काम करता है, जब भी हमें जहां पर भी इस ऑयल को भेजना है लाइन के थ्रू, जो भी हमारे पास ऑयल की जो लाइनें होती है सप्लाई करने वाली, उसके थ्रू हम पूरा ऑयल को भेजते हैं, फिर रिटर्न जो हमारा ऑयल होता है फिर से इसी के अंदर आता है। इस तरह इसका कनेक्शन रहता है। उसके बाद लगा रहता है एक फिल्टर। फिल्टर का काम होता है जो हमारा टैंक या जो स्टोरेज होता है वहां से जब ऑयल निकलता है तो एक फिल्टर के थ्रू गुजरता है। फिल्टर क्या करता है, उसमें से जो भी डस्ट वगैरह है जो भी कचरा है वह उसको साफ सुथरा कर देता है, और साफ सुथरा जो हमारा ऑयल रहता है वह कहां जाता है, पंप के अंदर जाता है। पंप का काम जैसा मैं बता चुका हूँ, पंप क्या करता है उसको प्रेशराइज करता है, इसको जो हमारा ऑयल जाएगा उससे क्या होता है उसका प्रेशर बढ़ता है। किसका बढ़ता है प्रेशर, ऑयल का। ऑयल का प्रेशर बढ़ता है तो आगे हम देखते हैं जो कंट्रोल वाल्व लगे रहते हैं, कंट्रोल वाल्व का उपयोग करते हैं हम कि जितने हमें प्रेशर से आगे ऑयल को भेजना है उतने प्रेशर से हम भेज सकते हैं। आगे यहाँ पर लिखा ऑयल प्रेशर लाइन। ऑयल प्रेशर लाइन का मतलब यहाँ पर जो हम पंप के थ्रू प्रेशर डालेंगे उस ऑयल पे, वो कंट्रोल वाल्व के थ्रू हम उस प्रेशर किए हुए ऑयल को इस लाइन के थ्रू भेजते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑयल प्रेशर लाइन। मतलब इस जगह से इस जगह तक जो हम ऑयल भेज रहा हुआ है कैसा हुआ है,
प्रेशर किया हुआ, मतलब हाई प्रेशर से भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्चुएटर्स लगा रहता है, एक्चुएटर्स की जगह जो भी हम मूवेबल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे पिस्टन सिलेंडर वगैरह यूज कर सकते हैं, वह क्या करता है, प्रेशर उस पर क्या करता है, प्रेशर डालता है, उससे हमारा पिस्टन क्या होता है, सिलेंडर के अंदर मूव होने लगता है। और मूव होने के बाद उसकी जैसे ही प्रेशर कम होता है, वह फिर से हमारी जो ऑयल रिटर्न लाइन है उसमें आ जाता है, ऑयल रिटर्न होकर फिर से हमारा ऑयल स्टोरेज के अंदर आ जाता है। ये तो जनरल लेआउट था जिसको आप देखकर आसानी से बना सकते हो, हर एक कंपोनेंट जैसे मैंने बताए उसके थ्रू आप यूज करके इसको थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। लेकिन एक्चुअल वर्क कैसे करता है और एक्चुअल हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे हो, कैसा होता है, वह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको जो जनरल लेआउट है और एक्चुअल लेआउट है, उन दोनों को हम कंपेयर करके बताते हैं और उसकी वर्किंग भी समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल लेआउट जो मैंने समझाया है, इसको नॉर्मल आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बनाया वैसा ही आपको एग्जाम में बना देना, क्योंकि यहाँ पर हमने थ्योरी नहीं ली है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल है, आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो एक्चुअल वर्किंग हम किससे देखेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल हाइड्रोलिक सिस्टम का डायग्राम। ये है जनरल लेआउट की लाइन डायग्राम है। यहाँ पर क्योंकि हमने वो है सारे पार्ट्स यूज किए हैं जो इसमें यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, अब ये ऑयल स्टोरेज होता हुआ कैसा होता है, एक्चुअल में यहाँ पर बना हुआ है इस तरह का, हमारा क्या होता है ऑयल टैंक होता है, और हाइड्रोलिक ऑयल जिस ऑयल को हम यहाँ पर यूज कर रहा हुआ है भरा हुआ है, डॉट डॉट में आपको दिख रहा होगा, इस तरह का एक टैंक होता है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी लाइनें रहती है, तो एक तो होती पंपिंग लाइन जो दिख रही है यहाँ पर, जो पंप करती है, यहाँ पर पंप लगा हुआ है, और पंप क्या करता है, यहाँ से जो ऑयल है उसको खींचता है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर पंप आपको लगा दिख रहा होगा, एक पंप यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वह पंप खींचकर कहाँ भेजता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगा रहता है यहाँ पर, जो ब्लू कलर का दिख रहा होगा इसके अंदर लगा रहता है। इसके अलावा यहाँ इसमें भेजने से पहले यहाँ पर अटैच रहता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम होता है कि अगर हाई प्रेशर या प्रेशर ज्यादा तो उसको हम यहाँ से इसके थ्रू पंप के थ्रू रिलीफ कर सकते हैं। अब प्रेशर कितना है कैसे पता पड़ेगा, यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा रहता है, प्रेशर गेज के थ्रू हम देख सकते हैं कितना प्रेशर है हमारे ऑयल का। अब यहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो लगा हुआ है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व दिख रहा हुआ इस पाइप के थ्रू, सबसे पहले ए वाला दिख रहा हुआ, ए लिखा हुआ, इस पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको आगे भेजते हैं। फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ, इस वाल्व को ओपन कर देते हैं, जितना हमें ऑयल सप्लाई करना है, एक यहाँ एक्चुएटर यहाँ पर लगा हुआ है, इस एक्चुएटर के अंदर भेजते हैं। एक्चुएटर क्या करता है, ये जो यहाँ पर मोशन एक्चुएटर लगा हुआ है, पिस्टन लगी हुई है सिलेंडर के अंदर, पिस्टन लगी हुई, इस पे क्या करेगा, वो प्रेशर डालेगा, पिस्टन आगे पीछे क्या करेगी, मूव करेगी, आगे मूव करेगी, उसको मूव करने के बाद फिर से रिटर्न कहाँ से आ जाता है, यहाँ से जो हमारा दूसरा लाइन बनी हुई ये वाली दूसरी तरफ राइट हैंड साइड वाली, इसके थ्रू क्या ऑयल वापस आता है, ऑयल वापस आके कहाँ से आता है, फिर से हमारा कहाँ, ये फिल्टर के थ्रू कहाँ फिर से इसी के अंदर आता है, और ये साइकिल कंटिन्यू ऐसे चलती रहती है, ठीक है। ये पिस्टन जैसे आता है इसका प्रेशर कम होता है फिर से वापस आ जाती है, ऐसे ऑयल का प्रेशर आता फिर से आगे चली जाती है, फिर से वापस। ये दोनों डायग्राम भी आप बना सकते हैं, एक्चुअली ऐसा लिखा आता है कि एक्चुअल हाइड्रोलिक सिस्टम का डायग्राम बनाइए, तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। और नॉर्मली सिर्फ इतना ही लिखा आता है कि लेआउट समझाइए, तो लेआउट में ओनली ये डायग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर 8-10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप दोनों को भी समझा सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये लाइन लेआउट तो आप वहां पर बना दें फिर वहां पर लिख दें, वर्किंग जब समझाएंगे तो आप इस डायग्राम के थ्रू समझाएं जो आपको यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑयल का हाइड्रोलिक सिस्टम का एक लेआउट बनाया है, कि जैसे कि एक लाइन डायग्राम को देखो, एक लाइन बनी हुई जिसमें एक बताया कि ऑयल स्टोरेज होता है, फिल्टर लगा रहता है, पंप लगा रहता है, कंट्रोल वाल्व वगैरह लगा रहता है, और जी हमारी एक पूरी लाइन होती है जिससे ऑयल सप्लाई हो रहा है, एक रिटर्न लाइन होती है और एक्चुएटर्स लगा रहता है। यहाँ पर जो समझाया वो एक्चुअल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्चुएटर लगा हुआ है उसके अंदर होता क्या, सिलेंडर पिस्टन कैसा होता है ये दिखाया गया है, यहाँ पर चेक कंट्रोल वाल्व भी दिखाए गए हैं, जबकि और भी जैसे प्रेशर रिलीफ वाल्व वगैरह है, प्रेशर गेज है, ये सब लगे रहते हैं, ये सब इसके अंदर दिखाया गया, फिल्टर भी दिखाया गया, टैंक कैसा होता है ये सब दिखाया गया। तो आप दोनों ही डायग्राम में जी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा मैंने समझाने की कोशिश की। और इसका जो भी ये सब्जेक्ट है मैंने नया स्टार्ट किया, मैं कोशिश करूंगा पूरा सिलेबस कराऊं, क्योंकि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, अगर आपके हाइड्रोलिक के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको अच्छी समझ में आएगा। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ यदि आपको पसंद आते हैं, जैसे कि अभी जो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट उसकी भी मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ, ऑटोमोबाइल की भी डाल चुका हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की भी डाल चुका हूँ, और भी सब्जेक्ट हैं जैसे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट है उसके भी सब्जेक्ट के वीडियो डाल चुका हूँ, वह सब देख सकते हैं। सभी सब्जेक्टों के नाम से हमने प्ले लिस्ट बना रखी है पर्टिकुलर, सिर्फ आपको क्या करना है प्ले लिस्ट में विजिट करना है और नीचे देखते जाना, जहाँ मोर है मोर पर क्लिक कर देंगे तो और भी आपको प्ले लिस्ट दिख जाएंगी। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें,
जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।